यार पांडे, तुम शादी कर लिए हो और हमारी पार्टी कहाँ है? पार्टी चाहिए ना, दे देंगे बस खुश। तुम्हें तो पता ही हमारी पार्टी क्या होती है। हमें पता है, तुम वही जाओगे चांदनी के यहाँ, बस देखते रहोगे एक दूसरे को। ये फालतू वाला काम लुच्चापनी खत्म कर दो। यार पांडे जी, कहाँ पता यार, जो चलती है ना क्या मस्त लगती है। ऐसा लगता है कि पूछो मत, उनकी आंखों में हो जाने का दिल करता है। चलो चलते हैं फिर। मैंने कहा आदाब हुजूर। आदाब। क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? कुछ नहीं, हमने आपको देख लिया, बस यही काफी हमारे लिए। हाय, क्या कह दिया हुजूर आपने। हुजूर हम आपको इतना पसंद है। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कहीं मैं मर ना जाऊं। हुजूर मैं छोड़ दीजिए, शर्म आ रही है। अपनों से कैसा शर्माना। ओ बिहारी जी, चलो बहुत रोमांस हो गया, और भी काम है। हमें छोड़कर कहाँ तक जाओगे, जो भी एक बार चांदनी के हुस्न का दीवाना हो गया वो कभी हमसे दूर ही नहीं रह पाते। चांदनी जीजी ऐसी है। तुम ऊपर कहाँ आए थे? दादाजी का बार बार फोन आ रहा था। तुमने देखा हमको कैसे देख रहे थे? मैंने देखा तुमको कैसे देख रहे थे, जैसे कि तुम के पिछड़े हुए दो। पांडे जी, तुम हमारे बेइज्जती कर रहे हो यार। तुम पागल हो क्या, जब गए थे कुछ पप्पी सप्पी ले लिए होते, तुम तो ऐसे गले मिल रहे थे जैसे जन्मों के बिछड़े हुए भाई बहन मिल रहे हो। हमें तो लगता है ना तुम अपना समय फालतू वेस्ट कर रहे हो। तुमने पांडे जी देखा, पैसे देख रही थी। हमने देखा। चलो अच्छा, अब चलें घर, बैठो। Thank you.
बेटा, ये क्या कर रहे हो? शक्ल से तो अच्छे घर के लगते, ऐसी चीजें करना आपको शोभा देता है क्या? उठे चल निकल, ज्ञान की बातें यहाँ मत कर। ये यार ये क्या कर रहे हो, अच्छा लगता है बुजुर्ग आदमी। चल। नहीं बेटा, अब ये ना समझ, अभी इनको मार की जरूरत नहीं है, इनको प्यार की जरूरत है। दादाजी इन्होंने तुमको धक्का दिया है, छोड़ो बेटा चलते हैं।